नमस्ते दोस्तों, टेस्टी फूड विद नेहा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को कढ़ाई पनीर बना करके बताने वाली हूँ। लॉकडाउन की वजह से लोगों को रेस्टोरेंट का खाना मिल नहीं पा रहा, पर रेस्टोरेंट का खाना खाना तो लोग पसंद करते ही हैं, तो चलिए घर पे बनाते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई पनीर। इसे बनाना बहुत ही ईजी है फ्रेंड्स। कढ़ाई पनीर बनाने के लिए सबसे पहले हम तड़के का मसाला रेडी करेंगे। तो इसके लिए हम एक कटोरी में 10 से 12 गोल मिर्च ले लेंगे, इसे काली मिर्च भी कहा जाता है। अब 1/2 टीस्पून हम इसमें जीरा ले लेंगे, 2 बड़ी इलायची ले लेंगे, 1 छोटी इलायची ले लेंगे, इसे हरी इलायची भी कहते हैं, 3 से 4 हम इसमें लौंग ले लेंगे, 2 तेज़पत्ता ले लेंगे। अब एक पैन में हम 2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल डालेंगे और 1 बटर का टुकड़ा डालेंगे और इसे हल्का गरम कर लेंगे। बटर इसलिए डाला जाता है फ्रेंड्स ताकि जो कढ़ाई पनीर की ग्रेवी होती है उसका जो टेस्ट होता है वो बढ़ जाए, इसलिए बटर ज़रूर डालिएगा। अब जब ये गरम हो जाए तो इसमें तड़के का जो मसाला है उसे डाल देंगे और इसके साथ ही साथ 2 खड़ी लाल मिर्चें भी डाल लेंगे और इन्हें 1-2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। ध्यान रखिएगा मसाला जले नहीं। इसके बाद हम इसमें 3 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज डालेंगे और इसे भी हम हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे और इसे भी अच्छे से भून लेंगे। जब ये भून करके तैयार हो जाए तो फिर हम इसमें डालेंगे मसाला। तो मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। अगर आप तीखा ज़्यादा पसंद करते हो तो आप थोड़ा और लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं। अब इसे भी हम 1-2 मिनट तक भून लेंगे। ध्यान रखिएगा मसाला आपका जलना नहीं चाहिए। अब हम इसमें 1/2 कप के करीबन पानी डालेंगे और इसे अच्छे से पका लेंगे। पानी इसलिए डालते हैं ताकि जो हमने प्याज डाला है और मसाले डाले हैं वो अच्छे से गल जाए और पक जाए। अब हम इसमें 3 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए टमाटर डालेंगे और इन्हें भी हम अच्छे से पका लेंगे। अब मैं इसे 5 मिनट के लिए ढक के पकाऊंगी। 5 मिनट के बाद ये देखिए मसाले को एक बार चेक कर लेंगे। अब इसमें 1 कटोरी भर के मैं शिमला मिर्च डालूंगी काट के। ये देखिए मैंने जो शिमला मिर्च है इसका मैंने सारा जो बीजा होता है वो निकाल दिया है और इसे थोड़े बड़े साइज में काटेंगे। अब स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, मैंने 1 टीस्पून नमक डाला है। थोड़ा सा कस्तूरी मेथी डालेंगे, इससे जो कढ़ाई पनीर का टेस्ट होता है वो बहुत अच्छा आता है। अब हम इसमें 1 कटोरी भर करके पनीर डालेंगे। मैंने करीबन इसमें 200 ग्राम पनीर डाला है। पनीर के साइज़ भी आप थोड़े बड़े ही रखिएगा। अब इसे हम 10 मिनट तक लो फ्लेम पर ढक के पका लेंगे। 10 मिनट बाद ये देखिए जो हमारा कढ़ाई पनीर है इसका जो पानी है वो बिल्कुल सूख चुका है। अच्छे से एक बार चला लेंगे। अब हम इसमें 1/2 कप के करीबन पानी डालेंगे। हाफ कप पानी और डालेंगे। हाई फ्लेम पर हम इसे अभी पका रहे हैं। अब 5 मिनट के लिए हम इसे मीडियम फ्लेम पर और पका लेंगे। 5 मिनट बाद ये देखिए फ्रेंड्स हमारी जो कढ़ाई पनीर है वो कितनी बढ़िया दिख रही है। हमारी कढ़ाई पनीर बनकर के तैयार है फ्रेंड्स। ये देखिए
तो आप इसे अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए, और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे अगर पसंद आए तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।